नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट एजुकेशन पे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग को अपना रिजल्ट चेक करना है। मैं दोस्तों सामने ही बता दिया था कि रिजल्ट आने वाला है, आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ है, 19 से 22 वाले जो भी स्टूडेंट है बी ए पार्ट टू के, उनका 8 वाले का रिजल्ट जारी हो गया है। आपको पता होगा कि साइंस वाले का रिजल्ट कुछ दिन पहले जारी हुआ था और आज आर्ट वाले का रिजल्ट जारी हो गया है। तो रिजल्ट कैसे चेक करना है, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। मैं आपको पहला ऑप्शन बता देता हूं और दूसरा ऑप्शन मैं सीधे डायरेक्ट करके ही दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मिथिला यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.lnmuac.in, इस पर जाके आप सर्च कीजिए अपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र में, तो वहां पे आपको मिथिला यूनिवर्सिटी का साइट ओपन हो जाएगा। वहां से आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, वहां पे आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे अभी आप क्लिक करके आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप उतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कीजिए, वो आपको लिंक सीधे लेके चल जाएगा मेरे जो चैनल है स्टूडेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल, उसके जो टेलीग्राम चैनल है उस पे, वहां पे आपको आपके जो रिजल्ट का जो पीडीएफ है वहां प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब हम सीधे चलते हैं पीडीएफ में और देखते हैं कि किस स्टेप से रिजल्ट आप लोग का चेक किया जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग सीधे पीडीएफ देखते हैं। दोस्तों फाइनली 8 वाले का रिजल्ट दे ही दिया, देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे पीडीएफ दिख रहा होगा। जैसे कि आप लोग को मैं बताऊं कि पीडीएफ आपको मैं सीधे पीडीएफ पे लेके चलता हूँ, तो सीधे पीडीएफ पे लेके आ चुका हूँ। ये पीडीएफ है और इसका जो मेन है आपको मैं दिखा सकता हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट सेशन 2019 से 22 है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर डेट इशू कर दिया गया है, डेट देख सकते हैं। ये पीडीएफ है, आपको आपके कॉलेज के जो नेम है उसके अल्फ़ाबेट के अनुसार पीडीएफ जारी किया गया है। उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे पास वाले का डाटा दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, उसके नीचे फिर देख सकते हैं प्रमोट वाले का आपको रोल नंबर दिया गया है, कुछ इसी तरह से है, और सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। आप लोग को रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है स्टूडेंट एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और आपको रोल नंबर सर्च करना है इस लिंक पे जाके, यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, इस पे जाके आपको एक आपको अपना रोल नंबर सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप जो भी आपका रोल नंबर है सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद से आपका रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा आता है, जो भी रिजल्ट आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख लिए होंगे कि किस स्टेप से रिजल्ट चेक करना है। अगर रिजल्ट चेक करने में अभी भी कोई कठिनाई हो रही है तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे मुझे बेझिझक मैसेज आप कर सकते हैं, यथासंभव आपको मदद किया जाएगा। अगर इसके अलावा भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा सलाह रहेगा आप मिथिला यूनिवर्सिटी से हर एक छोटी बड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो को जानकारी मिलता रहे समय समय पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के संग, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।